तो दोस्तों हमने ये वीडियो किस तरीके से बनाया और किस तरीके से इसे एडिट किया, आज की इस वीडियो में हमको यही बताने वाले हैं। तो हमने इसे सिंपल तरीके से किया क्या है, अपने मोबाइल को एक ही जगह पर रख करके दो वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो जो है कुछ इस तरीके का बनाया है। और उसके बाद जब पहला वीडियो हमारा बन गया है तो सेम उसी जगह पर हमारे कैमरे को और ट्रिपॉड को हमने फिट कर रखा था, और ठीक उसी जगह पर दूसरा वीडियो जो है हमने बनाया है कुछ इस तरीके का। जब ये दोनों वीडियो आपके जो है तैयार हो जाएं, बन जाएं आपके मोबाइल में, तो अब आपको इन्हें इन दोनों वीडियोस को जो है एक साथ ज्वाइंट कैसे करना है, अब हम आपको बताते हैं और लेकर चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने काइन मास्टर में। तो काइन मास्टर को हमने इस तरीके से ओपन कर लिया। आप क्रिएट का ऑप्शन आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हमें उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर इतना करने के बाद ये मोबाइल जो है आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा, तो आपका जहाँ भी आपका वीडियो है जो आपने दो वीडियो शूट करके रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उस फोटो को आपको क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सबसे जहाँ भी आपका वीडियो होगा आपके वो अपने वीडियो पर क्लिक कर लेना है। तो जहाँ पर हमारा वीडियो पहला वीडियो जो है हम अपने पहले वीडियो को शूट कर ले क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद आपको इस साइड में आ जाना है। आ जाने के बाद जो है आपको वीडियो जो आपका नीचे ये वीडियो दिया गया है ये इस वीडियो पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आ जाने के बाद जो है आपको अपने वीडियो को चालू कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो इसके बाद अब क्या होगा कि ये जो हमारे वीडियो के बेकार पार्ट हैं जिनका हमें कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे सबसे पहले उन्हें क्रॉप करेंगे। तो इस वीडियो का जो ये बेकार पार्ट होगा हमें उससे सबसे पहले क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो पर ही फिर से क्लिक करेंगे। जब आप इस वीडियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन दिया गया है, हमें इसे आप ये इसके सामने आ जाएगा। तो आपको जितने देर का भी वीडियो आपको डिलीट करना होगा, जैसे कि मुझे यहाँ से अपने वीडियो को जो है यह स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से जब मैं बैठ रहा हूँ, तो इससे पहले का जितना भी वीडियो होगा आप ऊपर साइड देख सकते हैं ट्रिम लेफ्ट साइड का जितना भी वीडियो है जहाँ पर ये आपका पीला कलर येलो कलर में जो आपका डॉट है उसके आगे की जितने वीडियोज़ होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे अगर हम ट्रिम लेफ्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी वीडियो वहाँ तक चली गई, वहाँ तक की सारी वीडियो जो है अब तक हमारी चली गई। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब फिर उसके बाद जो है अब आपको अपने लेफ्ट साइड के कुछ बेकार पार्ट को जो है डिलीट करने हैं। तो लेफ्ट पार्ट के डिलीट करने के लिए हमें ट्रिम लेफ्ट करना होगा। अब इतने वीडियो का जो है हमें काम है, तो अब इसमें एक और वीडियो जो है हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए जो है आप देख सकते हो लॉयर का एक ऑप्शन दिया गया है, हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद जो है यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दिया गया है, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फिर से आप उसी जो आपने दूसरा अपना वीडियो अपलोड किया है या बनाया है जो भी किया है उस दूसरे वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस दूसरे वीडियो को सेलेक्ट कर लेने के लिए जो है आपको फिर से उसी तरीके से अपने वीडियो में आना होगा जिस तरीके से आप पहले आए हुए थे। तो आप देख सकते हो फिर से इसी तरीके से कुछ उसी तरीके से ओपन हो चुका है। तो अब हम दूसरे वीडियो को अपने जो है क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद जो है देखिए ये दूसरा हमारा वीडियो हमारे सामने आ चुका है। तो अब हमें इस वीडियो पर जो है मैं इस वीडियो पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद जो है अब देखिए ये किस तरीके से आएगा, ये कुछ इस तरीके से है। लेकिन हमें इससे भी अभी एडिट करना है और क्रॉप करना है। तो हम सबसे पहले अपने इस वीडियो को जो है क्रॉप करेंगे। तो क्रॉपिंग का ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो हम अपने जो वीडियो का ये जो बेकार पार्ट है इसे इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है इस वीडियो को हम सेट करेंगे अपने इस जहाँ पर हम बैठ रहे हैं वहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए जो है कि हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये अपना वीडियो यहाँ पर शूट करना है इस तरीके से। और उसके बाद जो है जब ये कुछ इस तरीके से शूट हो जाए, वो आप देख सकते हो इसको ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरीके से हमने इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद आप देख सकते हो वीडियो किस तरीके से बनी है।
अगर आप भी अपने YouTube पर जो है कुछ इस तरीके से कुछ यूनिक करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो और आप भी इससे भी अच्छा वीडियो जो है आप बना सकते हो।